ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। बीटेक का स्टूडेंट कैसे बना 5 लोगों का कातिल? नया नंबर, नया शहर और फिर किया मर्डर। आखिर न्यूड लाश के पीछे क्या थी कहानी? यूपी के वाराणसी में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की पहेली में एक के बाद एक नई ट्विस्ट लगातार सामने आ रही है। अब इस केस में जुगनू, विक्की और पहली बीवी के अलावा भी कई नाम जुड़ गए हैं। इस मर्डर मिस्ट्री में किराएदार प्रिंस चतुर्वेदी, तमिलनाडु में रहने वाली विक्की की गर्लफ्रेंड और ऑफिस में विक्की के साथ काम करने वाले उसके 4 दोस्त समेत विक्की के जीजा भी पुलिस के रडार पर है। बताते चले कि 5 नवंबर को 45 साल के राजेंद्र गुप्ता, 42 साल की उनकी बीवी नीतू, 25 साल के नवनेन्द्र, 15 साल के सुबेंद्र और 16 साल की गौरांगी की हत्या कर परिवार का खात्मा कर दिया गया। इस केस में पहले तो कई एंगल निकले, लेकिन अब ये केस पूरी तरह से 360 डिग्री घूमते नजर आ रहा है। आपको बता दें कि राजेंद्र के भतीजे विक्की की तलाश में पुलिस 6 राज्यों में दबिश डाल रही है, तो दूसरी ओर राजेंद्र के किराएदार प्रिंस चतुर्वेदी को भी लेकर पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल प्रिंस चतुर्वेदी के घर पुलिस पहुंची थी, जहां पर ताला लगा था। पुलिस प्रिंस चतुर्वेदी के घर का ताला तोड़ दी और अपना ताला लगा कर वहां से चली गई है। इसी कड़ी में वाराणसी पुलिस यूपी के नोएडा तो दूसरी पुलिस की टीम विक्की के ऑफिस तमिलनाडु भी पहुंची है। वाराणसी पुलिस नोएडा में विक्की के जीजा से पूछताछ करने पहुंची थी, क्योंकि घर छोड़ने के बाद विक्की ने सभी से बातचीत करना बंद कर दिया था। सिर्फ 2 ऐसे लोग थे जिससे वो लगातार कांटेक्ट में था, वो कोई और नहीं बल्कि विक्की के दीदी और जीजा थे। पुलिस ने विक्की के जीजा को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें कई नए खुलासे हुए हैं। जीजा की माने तो आखिरी फोन कॉल में विक्की ने कहा था, दिवाली में उसके परिवार को मार ही डालूंगा। दरअसल पुलिस ने विक्की के कॉल डिटेल्स निकलवाए थे, जिसमें ये सामने आया कि विक्की अपने जीजा के लगातार संपर्क में था। यही वजह थी कि वाराणसी पुलिस नोएडा पहुंची। पुलिस की माने तो विक्की के इरादे से उसके दीदी जीजा बखूबी अवगत थे। वही पुलिस जांच करते करते तमिलनाडु भी पहुंची है, जहां विक्की के 4 दोस्त और गर्लफ्रेंड से पूछताछ की गई है। बताते चले कि विक्की के दोस्तों से पुलिस को कई अहम सुराग भी मिले हैं। इनमें से कुछ लोग विक्की के दोस्त तो कुछ लोग ऑफिस में साथ काम किया करते थे। विक्की ने यूनिवर्सिटी वेल्लोर तमिलनाडु से बीटेक की पढ़ाई की थी। इस कड़ी में उसके दोस्त भी पुलिस के रडार पर है। पिछले कुछ दिनों से लगातार पुलिस विक्की के गतिविधियों को नोटिस कर रही थी, ताकि इस एंगल से भी वो कुछ क्लू निकाल सके। वहीं बता दे कि विक्की ने 20 अक्टूबर को ही अपना कमरा खाली कर दिया था, वहां के सभी सामान भी हटा दिए थे। पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली, जहां से कई अहम सबूत भी अपने साथ ले आई है। आखिर चाचा से बदला लेने के लिए 28 साल का लंबा इंतजार और फिर इस दिवाली मर्डर के बाद घर में इस तरह बम फोड़ेगा, ये तो कभी कोई सपने में भी नहीं सोचा होगा। विक्की से बोलते थे कि तुम्हारे माँ को बाप को मार दिए हैं, तुमको भी मार देंगे। पूरा सब आई मकान कुल अपने नाम है कर लिए हैं। राजेंद्र तो विक्की बड़े हुए हैं, जब समझदार हुए हैं तो अपना हिस्सा मांग रहे थे। तो नहीं दिए ना, बोले कि 20,000 रुपया ले हमारे साथ काम करो। अभी बोला है गोधना वाले दिन। तो राजेंद्र इस पर राजी नहीं हुआ, विक्की राजी नहीं हुआ। विक्की कुछ हमसे बोले भी नहीं, कुछ कहे भी नहीं। तो बचपन में कब से पिटाई होती थी विक्की की? बचपन से लेकर जवानी तक पिटाई बहुत ज्यादा होती थी। बचपन में बहुत ज्यादा पीटती उसको, उसको मारते थे बहुत ज्यादा। तो विक्की का कहीं ना कहीं गुस्सा अंदर दबा होगा लग रहा है। अब लगा होगा पता नहीं, क्योंकि उस समय छोटा था, 5-6 बरस का था। उसके बाद तो बड़ा हुआ, उसके बाद पढ़ाया लिखा। आखिर बच्चों को क्यों मारा गया? आपको लग नहीं रहा अगर राजेंद्र विक्की को पीटते थे, मारते थे, अगर विक्की इसमें कहीं से शामिल भी होता है, तो बच्चों से और अपनी चाची से क्या दुश्मनी रही होगी?
क्योंकि ये सोचे होंगे कि हमारे माँ बाप को हमसे छीन लिए हैं तो हम भी छीन लें, यही उसके मन में भावना आया होगा, लेकिन हमसे नहीं कुछ बोला। किस तरह बिच्छी की पिटाई होती रही, आप तो अपने आंखों से देखी होंगी उस समय, आप ज्यादा से मारते रहे, डंडा से मारते रहे, हाकी से मारते थे, अक्सर मारते पीटते, हाँ अक्सर उसको मारते, छत पे भी रस्सी से बांध के खंभे में मारते रहे, नहीं रस्सी से बांधते होते नहीं थे, अपने बच्चों को नहीं पीटते थे राजेंद्र, बिक्की को ही पीटते थे, हाँ उसी को पीटते थे, बल्कि जूनों को नहीं पीटते थे, वो छोटा था, ऐसे बच्चे लोग से प्रेम करते थे, पढ़ाते लिखाते थे, संभी में एक लड़का को संभी में जूनू को पढ़ाते थे, भगवानपुर में बिक्की को पढ़ाते थे, और ऐसा बात नहीं था, लेकिन थोड़ा गुस्सैल था, अलग तो रही है ना, क्योंकि ऐसा करता था, क्योंकि हमारे माँ बाप को छीन लिए बचपन से, तो हम भी छोड़ेंगे नहीं, हम कहे नहीं ये हमारे एक लड़का है, अब हम इसको रहने दो, कम से कम हमारा क्रियाकर्म तो करेगा, यही कह रहे थे, नहीं माना, हाँ बिक्की नहीं माना, और हमारे साथ चना खा के चल भी गया, चना मिठाई खा करके सोमवार को चला भी गया, जिस बहन के हाथ से चना मिठाई खाया भैया दूज का, उसी नहीं हाथ से, ये नीतू के छोटी लड़की जो है 9 में पढ़ती थी उसी की, हाँ। वही खिलाई, और उसकी हत्या भी हो गई, अब हत्या क्या क्यों किया और काहे किया हमको कुछ भी नहीं मालूम, कि मैंने हम हमारे माँ बाप को गुजर मारे हैं, हम इसको छोड़, हाँ बिक्की बोला हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छा माँ बाप को हमारे मारे हैं हम छोड़ेंगे नहीं, हमने हाथ किया कि अब एक ही लड़का हमारा है, अब ऐसा काम मत करना, ये कहे हम दोनों जने बाप बेटा मिल के, किसको, बिक्की को, अक्सर मारते थे, नहीं अक्सर नहीं मारते थे, ये 2 साल से चला गया बाहर, पहले पढ़ता था रहा तो अपना थोड़ा झगड़ा वगड़ा हो जाता रहा, एक दिन लड़का को लेके उसको मारे, कौन, बड़े लड़के को लेके और राजेंद्र के लड़का ने मिलके बिक्की को मारा था, बड़ी मारा था, एक बिलखती माँ उससे अपने बेटे की भीख मांग रही थी, लेकिन पोता वो भी दादी को नसीब नहीं होने दिया, वो अपने आंचल फैलाकर अपने छोटे बेटे राजेंद्र गुप्ता के सांस की भीख मांग रही थी, लेकिन यहाँ पोते ने तो उसे भी मौत की नींद सुला दिया, जिससे एक दिन पहले ही भाई दूज के लिए चना और मिठाई खाया था, वो तो 16 साल की नादान थी, उसके पिता की गलती के लिए उसके चचेरे भाई ने ही उसे मौत की नींद सुला दी। फिलहाल इस केस में पुलिस विक्की के लिए कई टीमों को लगा रखी है, जो देश के कई राज्यों में दबिश डाल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम टॉक।